अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं जा रहा हूँ माटा कलश की तरफ। द्रोज से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे आए तो आगे आता है ये अजरदम, और यहाँ से सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है, ब्रिज के बिल्कुल साथ से वो जो गाड़ी जाती हुई नज़र आ रही है, इधर से रास्ता जाता है शीशी को माटा कलश की तरफ। बहुत ही खूबसूरत जगह है चित्राल की ये, और उस तरफ जाएंगे और आगे जाके वो जगह देखेंगे और आपको उस जगह के बारे में बताएंगे कि भाई सीन्स कैसे हैं। अभी मैं पहुंचा हूं क्लास, और पूरा जो रोड है शीशिको का माटा कलश तक पूरा सारा जो है वो ऑफ रोड है, तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर तक का, और मैं जा रहा हूं 10 किलोमीटर का सफ़र बाकी रह गया है, और जितना ख़राब रोड है मंजिल भी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए। आगे चलते हैं और जाके देखते हैं कि कैसा सीन है। फाइनली खूबसूरती के लिहाज से कोई जगह अच्छी नज़र आई, और मुझे पूरा यकीन है यही होगा वो माटा कलश जिसकी तलाश में मैं 35 किलोमीटर ऑफ रोड पे चल के आया हूँ। आगे चलते हैं और पूछते हैं क्या यही है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। जी बिल्कुल, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जगह है माटा कलश। अभी मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, और यहाँ पर चंद एक ही यहाँ पर गेस्ट हाउस है। ये हमज़ा गेस्ट हाउस है, नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं जूम कर देता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पर खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, चीड़ के दरख्त बहुत ज़्यादा हैं जो इस जगह को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। ये सामने पहाड़ के ऊपर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तादाद में चीड़ लगे हुए हैं। और ये हैं माटा कलश में नेचुरल पर्पल कलर के पत्थर, जो कि एक बिल्कुल यूनिक पत्थर हैं। और यहाँ पर आप सामने देखें तो बेशुमार यहाँ पर चीड़ के दरख्त हैं, और यहाँ पर ऊपर की तरफ भी। ये मुझे चित्राल में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर इतने ज़्यादा तादाद में चीड़ के दरख्त नज़र आए, क्योंकि ऐसी जगह मिली जहाँ पर चीड़ के दरख्त हों, अदरवाइज सब जगह पे जंगली दरख्त ही थे। सफ़र तो बहुत ही मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर जो खूबसूरती, खामोशी, और यहाँ पर बादलों का व्यू, और इसके अलावा ठंडी ठंडी हवाएं और पहाड़ों के नज़ारे जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, जो थकाने वाले सफ़र को ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पर आकर एक बहुत ही ज़्यादा सुकून हासिल होता है। यहाँ पर सेब के दरख्त जो हैं वो एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और इसके अलावा यहाँ पर ग्रीनरी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, जो कि अपनी मिसाल आप है। इस जगह से बहुत ही ऊंची ऊंची चोटियों का जो व्यू आता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, और आप यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं यहाँ की नेचर ब्यूटी को, यहाँ पर जो सुकून है उसको, और यहाँ का कुदरती हुसन। ये थे माटा कलश के नज़ारे, और अभी हवा बहुत तेज़ चल रही है और बादल भी बहुत आ गए हैं। ये ना हो कि मेरे रास्ते में बारिश आ जाए, मुझे जल्द से जल्द वापस निकलना है। देखते रहे मेरे वीडियोस को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।